मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ सनातन भारत परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है उन व्यक्तियों के लिए है जो मंदाग्नि से ग्रसित हैं, जिन्हें भूख कम लगती है, अपच रहती है, भोजन कम पचता है। उसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा नुस्खा आपको बताऊंगी, घरेलू नुस्खा है। आप उसके लिए अदरक लीजिए, अदरक के को छीलकर उसके महीन महीन टुकड़े काट लीजिए, ठीक है। फिर उन टुकड़ों को हम कांच की बोतल में भरकर रख लेंगे। उसमें हमें मिलाना है नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए। फिर आप उसको धूप भी दिखा सकते हैं साथ में, और जिस दिन आपने ऐसा किया है तब से आप खाना चालू कर सकते हैं उसी दिन से इसको। तो आप इसे खाइएगा, कम से कम 6-7 टुकड़े दिन में धीरे धीरे करते खाते रहना है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े नहीं। अगर आपने बहुत बड़ा अदरक काटा है तो बहुत ज़्यादा अदरक आप नहीं खा सकते हैं, अदरक में सल्फर भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एकदम छोटे छोटे से टुकड़े आपको काटने हैं, 6-7 खा लीजिए दिन में, धीरे धीरे चूसते रहिए आप। तो इससे जो मंदाग्नि है इसकी समस्या खत्म होती है। दूसरा इसका मैं आपको बहुत बड़ा फ़ायदा बता दूँ, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई भी नशा करते हैं, तो क्योंकि उनमें सल्फर कम हो जाता है, तो सल्फर की कमी के कारण वो बार बार वो उनको क्रेविंग आती है। तो ये इसको, क्योंकि अदरक है, अदरक में भरपूर है, तो ये उनके लिए भी बहुत लाभकारी है, वो भी इसी तरह से सेवन कर सकते हैं इसका। ये था एकदम साधारण सा घरेलू नुस्खा मंदाग्नि ठीक करने के लिए और नशे से मुक्ति के लिए। ऐसे ही घरेलू नुस्खे मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।